इसको पिछले 3 साल से मैं नहीं जोतता हूँ। बेड बना हुआ है, घास हो जाता है, इसमें सब्जियां लेता हूँ। खूब हुई थी लेकिन टाइम बाढ़ लंबा हो गया, खत्म होगी। अब इसके अंदर आपको नजर तो ये आ रहा कि ये घास ही घास है, कुछ नहीं दिख रहा ना। इसमें सब्जियां हैं, उसके अंदर है, इसके अंदर है। अब तो आगे है, मैं दिखाऊंगा। इधर वाली तो खत्म होगी, घिये थे, पेठे थे, तोरी थी, तोरी अब भी आपको नजर आएगी। अब ये देखो ना, इसका हरापन देखो आप, है? ये तो केमिकल वालों से ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है? अब ये इसमें जो विविधता है ना, मतलब सारी है। बीच में मेरे को टाइम मिल गया, नरमे का बीज डाल दिया, कहीं रूई का डाल दिया, कहीं किसी सब्जी का डाल दिया, मतलब इसको जंगल ही रखता हूँ, ये जोतता नहीं। और ये खरपतवार है, ये अभिशाप से वरदान बनता है। अब ये सूख जाएगा, उखाड़ दूंगा, ये मल्टी का काम करेगा। और असंख्य बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर पैदा होते हैं। अब ये देख रहे हो आप, ये अंदर छिद्र नहीं हो गए क्या? ये सारे के सारे जीवाणु है जो जमीन में आ गए हैं, पैदा हुए। ये आप कहीं देख लेना नजर मार के, आप ये सब जगह मिलेंगे आपको। ये कुदरती खेती के अंदर ही ऐसा है। कहीं आपको कीट नजर आए तो, है ना? ये नहीं, अंदर से देखो, अंदर कोई व्हाइट फ्लाई भी नहीं। थोड़ी सी एक बार आई और वो जो मैंने छाछ वाला बताया ना, उससे सारी ठीक होगी। क्वालिटी किसी है बीज? ये उधर तो आगे 1 बीघा जो है, और ये जोते जो है, ये तो राज फेड वालों का बीज है। उनकी नंबर क्या है पता नहीं, जो सरकारी बीज है 421 है क्या? हाँ। अरे ये कुछ हो दूसरा बीज है, नाम मैं नहीं भूल गया इसका। आगे और बड़ा बड़ा मिलेगा। वो जो नीचे दिख रहा, जमीन गहरी है, वो मिट्टी उठाई हुई है, मतलब उसके अंदर मैंने हार्ड पैन तोड़ा हुआ है। सब सोइलर जो है 2.5-3 फुट का, कुदरती खेती करने के लिए एक तो लेजर लेवल करना और हार्ड पैन तोड़ना वो जरूरी है। वो 6-6 फुट पे एक हल चलता है, जमीन को अंदर से चीरता है वो। अब आपको कोई इसमें आ रही है, देखो अब वर्तमान में तो क्या कमी है।